हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक गणित में मूल्यांकन को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका कथन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो आपको बताना है किसने दिया है। ठीक है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है और जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। पूछा गया है कि जो मूल्यांकन है वो एक क्रमिक प्रक्रिया है, वो सबको पता है, जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है और जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं उससे घनिष्ठ रूप से कौन से संबंधित है, यह किसने कहा है, ये संबंधित कौन है, मूल्यांकन संबंधित है, और यह किसने कहा है, कोठारी आयोग ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब बात करते हैं मूल्यांकन का अर्थ क्या है। तो मूल्यांकन का तात्पर्य शिक्षक के साथ साथ निरंतर चलने वाली उस व्यापक प्रक्रिया से है जिसमें शिक्षा के मुख्य उद्देश्य जो सर्वांगीण विकास होते हैं, छात्रों द्वारा उनके ज्ञान व्यवहार में जो परिवर्तन होता है तथा विभिन्न प्रविधि द्वारा मापन जो होता है मूल्यांकन कहता है। तो मूल्यांकन क्या होता है कि बच्चे के जो संपूर्ण व्यापक उसका जो स्तर होता है उसका अध्ययन करना ही मूल्यांकन होता है। मतलब शिक्षण जो होता है वो जो शिक्षा ग्रहण कर रहा होता है उसके साथ साथ जो उसके सर्वांगीण विकास है, मतलब उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आ रहा है, वह स्कूली प्रक्रियाओं में भाग ले रहा है कि नहीं ले रहा है, जो स्कूली कार्यक्रम है उसमें भाग ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसका मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है वो व्यापक स्तर पर होती है। इसमें होता क्या है, शारीरिक से लेकर के मानसिक स्तर पूरे का मापन किया जाता है। तो मापन का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, एक संकुचित क्षेत्र होता है, लेकिन जो मूल्यांकन का स्तर होता है, क्षेत्र होता है, वो बहुत ही व्यापक होता है जिसमें शिक्षण के साथ साथ उसकी जो निरंतर चलने वाली जो व्यापक प्रक्रिया है, जैसे बालक के मुख्य उद्देश्य हो गए, जो शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हो गए, सर्वांगीण विकास हो गया, सब कुछ निहित होता है इसमें। नेक्स्ट है, संप्राप्ति परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करते हैं। यह कथन किसा है, गैरिसन एवं अन्य का। गैरिसन एवं अन्य ने कहा है कि संप्राप्ति परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करते हैं। कि जो संप्राप्ति परीक्षण होते हैं और जो उपलब्धि परीक्षण होते हैं इनको ही कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि जो विशिष्ट विषय होता है, विशिष्ट विषय मतलब क्या होता है, जिस विषय में छात्र क्या होता है, प्रवीण होता है, उसको विशिष्ट विषय कहते हैं। हमारा एक ये विशिष्ट विषय है। ठीक है, उस क्षेत्र में उसकी ज्ञान की जो सीमा है उसका मापन किया जाता है, वो है संप्राप्ति परीक्षण। तो वो गैरिसन एवं अन्य ने कहा है। क्वेश्चन है, संप्राप्ति परीक्षण जो अचीवमेंट टेस्ट है वो क्या होते हैं। तो संप्राप्ति परीक्षण में अभिप्राय यह होता है कि उन परीक्षणों से है जो विद्यार्थियों के ज्ञान बोध कौशल आदि का मापन करते हैं। मतलब वे परीक्षण जो ज्ञान बोध कौशल आदि का मापन करते हैं वो हमारे संप्राप्ति परीक्षण कहलाते हैं। नेक्स्ट है, उपयोग के आधार पर परीक्षणों के प्रकार लिखना है। आपको क्या बताना है, उपयोग के आधार पर परीक्षणों के प्रकार। तो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, संप्राप्ति परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण। कौन से, संप्राप्ति परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट है, निर्माण के आधार पर परीक्षणों के प्रकार लिखना है आपको। तो दो प्रकार के होते हैं, एक मानकीकृत परीक्षण, एक अमानकीकृत परीक्षण। एक मानकीकृत परीक्षण और एक अमानकीकृत परीक्षण। नेक्स्ट है, प्रकृति के आधार पर परीक्षणों के प्रकार आपको लिखने हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण। नेक्स्ट है, अभिव्यक्ति के आधार पर परीक्षणों के प्रकार लिखने हैं आपको। तो अभिव्यक्ति के आधार पर परीक्षणों के कितने प्रकार हैं, तीन प्रकार हैं, मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण और प्रयोगात्मक परीक्षण। कौन कौन से, मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण और प्रयोगात्मक परीक्षण। नेक्स्ट है, शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं। तो शिक्षण कौशल क्या होते हैं, शिक्षण कौशल से तात्पर्य शिक्षण की दक्षता या शिक्षण प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक संपादित करना। जैसे निम्न प्रकार के कौशल इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब अगर हमें जो शिक्षण प्रक्रिया है, जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको कौशल बनाना है, उसे कुशलतापूर्वक संपादित करना है, तो हमें विभिन्न कौशलों को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे व्याख्यान कौशल हो गया, प्रस्तावना कौशल हो गया, संप्रेषण कौशल हो गया, उद्दीपन कौशल हो गया। मतलब इन कौशलों का हम प्रयोग करके शिक्षण को कुशल पूर्वक बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्लूप्रिंट क्या है। आपने सुना होगा ब्लूप्रिंट के बारे में, कि जब प्रश्न पत्र का निर्माण करना होता है, प्रश्न पत्र का निर्माण ही ब्लूप्रिंट कहलाता है। किसी संप्राप्ति परीक्षण का नील पत्र या उसके प्रश्न पत्र निर्माण में आधार पत्र का कार्य करता है। ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र निर्माण में सहायक होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक विषय विशेष या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ एवं कौशल का मापन करते हैं। इसमें बता दिया उन्होंने कि जो शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण की डेफिनेशन दी है उन्होंने, कि जो शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण होते हैं वह विषय विशेष या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में उनके ज्ञान, समझ एवं कौशल के मापन कर देते हैं। मतलब ज्ञान का भी, समझ का और कौशल का भी मापन करते हैं। वो कथन किसने कहा है? एफ एस फ्रीमैन ने। किसने कहा है? एफ एस फ्रीमैन ने। नेक्स्ट है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के पद लिखना है आपको। तो उपलब्धि परीक्षण की योजना का निर्माण करना, क्या करना? उपलब्धि परीक्षण की योजना का निर्माण करना। नेक्स्ट है, परीक्षण निर्माण की तैयारी करना, क्या करना? परीक्षण निर्माण की तैयारी करना। थर्ड है, परीक्षण का अंतिम प्रारूप निर्धारित करना। फोर्थ है, उपलब्धि परीक्षण का मूल्यांकन करना। तो पहले योजना का निर्माण करेंगे, फिर परीक्षण निर्माण की तैयारी करेंगे, फिर उसका प्रारूप कैसा है वो निर्धारित करेंगे, और इसके बाद उसका मूल्यांकन कर देंगे। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया जो भी होती है वो लास्ट में आती है। और याद रखिए, सबसे पहले हम योजना का निर्माण करते हैं कि उसकी प्रक्रिया क्या होगी, बाद में हम उसकी तैयारी करते हैं कि परीक्षण निर्माण की तैयारी में ये बिंदु चाहिए। नेक्स्ट है, निबंधात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो निबंधात्मक परीक्षणों का प्रयोग जो होता है वो अत्यंत प्राचीन काल से किया जा रहा है। मतलब बहुत पहले से ही यह प्रयोग किया जा रहा है। इसको 1854 में होरक मैन ने अमेरिका में प्रयोग किया था। क्या किया था? होरक मैन ने अमेरिका में प्रयोग किया था। यह परंपरागत प्रणाली है, यह विषय निष्ठ होती है, इसमें रटने पर बल दिया जाता है। निबंधात्मक प्रणाली होती है, उसमें क्या करते हैं? रटने पर बल देते हैं, ठीक है। और यह परंपरागत प्रणाली है जिसका आज यूज़ नहीं किया जा रहा है, बहुत ही ना के बराबर यूज़ किया जा रहा है, जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है, सतत और व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतत और व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? तो यह आधुनिक पद्धति है। विद्वानों ने व्यापक और जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसका अभियोग कार्यक्रम 1992 में स्वीकार किया था। मतलब इसको ही इन्होंने स्वीकार कर लिया आप, ठीक है। तो इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं? क्रमबद्धता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, व्यापकता और निरंतरता। मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ यह हुआ कि निरंतर मूल्यांकन करना। सतत मतलब मूल्यांकन, मतलब निरंतर मूल्यांकन करना, तो इस पर ही बल देना, ठीक है। तो यह जो मूल्यांकन होता है वो इस पर बल देता है कि बालक का जो है वो निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है। ये आधुनिक जो पद्धति थी वो विद्वानों को अच्छी लगी और उन्होंने 1992 में इसको स्वीकार कर लिया। इसमें विशेषताएं कौन सी हैं? क्रमबद्धता है, विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है, वैधता है, व्यापकता है, निरंतरता। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषता है? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता, ठीक है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। तो मूल्यांकन के द्वारा हम किसी भी वस्तु का मापन कर सकते हैं, वो भी किससे? सही ढंग से मापन। तो यह किसने कहा है? गुड्स ने। गुड्स ने कहा है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सही ढंग से किसी वस्तु का मापन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसके द्वारा छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्यों का अंकन किया जा सकता है? छात्र का संपूर्ण व्यक्ति का अध्ययन करना है, अंकन करना है, तो हम किसके द्वारा कर सकते हैं? मूल्यांकन के द्वारा। नेक्स्ट है, शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। शैक्षिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, ये किसका सूत्र है? बुद्धि लब्धि का सूत्र है। किसका सूत्र है? बुद्धि लब्धि का सूत्र है। रॉस के अनुसार निबंधात्मक परीक्षा कितने प्रकार के उद्देश्यों के मापन करने के लिए उपयोगी है? तो रॉस के अनुसार जो निबंधात्मक परीक्षा है वह चार प्रकार के उद्देश्यों के मापन के लिए उपयोगी है। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। नेक्स्ट है, रॉस के अनुसार निबंधात्मक परीक्षा के उद्देश्यों के मापन करने में उपयोगी है। तो कौन कौन से मापन है? मुख्य कौन कौन से? सूचना, चिंतन, अध्ययन, दक्षता, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी मूल्यांकन प्रविधि है? कौन कौन सी है? लिखित परीक्षाएं हैं, मौखिक परीक्षाएं हैं और प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं। कौन कौन सी? लिखित परीक्षाएं हैं, मौखिक परीक्षाएं हैं और प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा परीक्षण का गुण कौन सा नहीं है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण कौन सा नहीं है? तो परीक्षण का अंकन शीघ्रता से नहीं किया जा सकता। मतलब यही है, यही ऐसा है जो उसमें गुण नहीं है कि परीक्षण का अंकन जो है वो शीघ्रता से नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, CBCS सिस्टम क्या है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमने क्या स्टार्ट किया? CBCS सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया। अब इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। क्या है? च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है वो CBCS सिस्टम है।
तो इसका क्या, इसमें क्या किया गया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्या किया, जब उच्च शिक्षा व्यवस्था थी उसको गुणवत्ता प्रदान करने के लिए हमने CBCS का यूज़ किया। इसका मेन है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो इस तरह से हमने मैथ्स पेडागॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए, ठीक है। बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। बीएड की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ।